हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है आईबीपीएस की तरफ से। आईबीपीएस की तरफ से ये वैकेंसी आई है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसमें कुल 6 पोस्ट दी गई है जिसमें अलग अलग वैकेंसी दे दी गई है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कुल 853 पोस्ट खाली है दोस्तों, जिसमें भी आपको बैचलर डिग्री या बीटेक होना चाहिए और भी कई सारे इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डिटेल देख सकते हैं। तो बात करते हैं लॉ ऑफिसर में, तो लॉ ऑफिसर में जो सीट दी गई है वो 75 पोस्ट खाली है, जबकि आईटी ऑफिसर के लिए 219 पोस्ट खाली है, जबकि एचआर पर्सनल के लिए 81 पोस्ट है, जबकि मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 302 पोस्ट है, और राज्यसभा के लिए जो पोस्ट खाली है फ्रेंड, राज्यसभा अधिकारी के लिए वो 69 पोस्ट खाली है। तो अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए बी लेवल के साथ, जो कि नैलेट इंस्टीट्यूट की तरफ से कराया जाता है, या फिर मास्टर डिग्री भी होना चाहिए आपको आईटी में। और भी इसमें कई कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मांगे जा रहे हैं, तो आप इसकी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं और इसके हाईलाइटेड पॉइंट की। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट इसमें जो है वो ऑनलाइन 6/11 से स्टार्ट है, 26/11 तक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसमें आपको 6/11 से 26/11 तक आप कर सकते हैं डिपॉजिट, और डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्राइमरी होगा, यानी पहला एग्जाम जो होगा वो दिसंबर 2018 में होगा, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्राइमरी जो है वो 29/12/2018 से हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो होगा उसका दिसंबर 2018 में अवेलेबल हो जाएगा, और उसी मंथ में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा 29/12 और 30/12 को। बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो इसकी रिजल्ट जो हो जाएगी आपको अगले मंथ नेक्स्ट मंथ जनवरी 2019 में मिल जाएगी, और आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर मेन की, यानी कि जो आप प्राइमरी एग्जाम पास कर लेते हैं फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कट ऑफ के आधार पर। उसके बाद आपको जनवरी 2019 में ही इसके कॉल लेटर आपको मिल जाएंगे, और इसका एग्जाम भी उसी महीने 27 तारीख को हो जाएगा। तो बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, यानी मेन की जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो अगले मंथ फरवरी 2019 में हो जाएगा, और डाउनलोड कर सकते हैं आप कॉल लेटर, यानी कि जो एग्जाम पास कर लेंगे मेन की उसके लिए कॉल लेटर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू आपका फरवरी 2019 में लिया जाएगा आईबीपीएस की तरफ से। तो कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू डेट भी फरवरी 2019 ही रखा गया है, जो कि आईबीपीएस की तरफ से होगा। तो बात कर लेते हैं इसमें अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट आपको अप्रैल 2019 तक मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसमें फ्रेंड उससे कुछ और हाईलाइटेड पॉइंट की। तो इसमें जो एज मांगा गया है फ्रेंड वो 1/11/2018 के अनुसार मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। तो कैटेगरीज वाइज इसमें छूट दी गई है। तो बात कर लेते हैं इसमें कुछ और हाईलाइटेड पॉइंट की। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है फ्रेंड, वो इस तरह से है। यहाँ आप देख रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 है, रीजनिंग में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 है, जनरल अवेयरनेस जो कि बैंकिंग से जुड़े होंगे उसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 है, टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं, जबकि टोटल जो मार्क्स होंगे वो 125 होंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आधे आधे नंबर दिए जा रहे हैं। तो मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और रीजनिंग के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों हैं, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। तो सबके लिए समय अवधि 40 मिनट दी गई है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं इसमें नेम ऑफ टेस्ट, वो जो टेस्ट था फ्रेंड वो था राज्यसभा अधिकारी के लिए, और ये जो है ये आईटी ऑफिसर के लिए। आप यहाँ देख सकते होंगे आईटी ऑफिसर, एचआर पर्सनल के लिए और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, रीजनिंग 50 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 है, टोटल 150 हो जाते हैं, और टोटल मार्क्स आपको 125 है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन के आधे आधे नंबर मिलेंगे। तो समय अवधि सेम है सबके लिए 40-40 मिनट। बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की। तो मेन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज के लिए होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 60 है, मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, और मीडियम जो होगा वो इंग्लिश हिंदी होगा, और समय की अवधि 45 मिनट इसमें दी जाएगी फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं राज्यसभा अधिकारी के लिए। तो राज्यसभा अधिकारी के लिए भी इसमें दो होंगे एग्जाम, जिसमें एक पहला ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होंगे ऑब्जेक्टिव में, जबकि डिस्क्रिप्टिव में 2 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 दिए गए हैं दोस्तों। तो मीडियम जो एग्जाम का इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। तो इसकी समय अवधि देख लेते हैं, 30 मिनट की समय अवधि दी गई है दोस्तों।
तो बात कर लेते हैं कुछ और हाईलाइटेड पॉइंट की। तो इसमें नेगेटिव नंबर का भी दिया गया है फ्रेंड, तो आप सही से एग्ज़ाम दें क्योंकि 0.25 नेगेटिव नंबर है इसमें, तो चार सही पर एक गलत हो जाएगा, चार गलत पर एक सही नंबर आपका कट जाएगा। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ स्कोर की। तो कट ऑफ स्कोर जो है वो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मिनिमम स्कोर जो होगा, आपको जितना भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसमें कट ऑफ लिस्ट निकाला जाएगा, उसके आधार पर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉल लेटर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा। जैसा कि आप यहां हाईलाइटेड देख रहे होंगे, मार्क ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो उसी तरह से फ्रेंड आपको इंटरव्यू में क्या करना है, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा CRPF स्पेशल 8 की तरफ से, इसमें कि कंडक्ट किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को, तो उन्हीं को सिर्फ बुलाया जाएगा। तो बात करें इसमें क्वालिफाई की, यानी इंटरव्यू में जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो क्वालिफाई मार्क क्या होगा, तो क्वालिफाई मार्क जो है वो 40% होगा जनरल के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है। बात कर लेते हैं इसमें कुछ और हाईलाइट पॉइंट की, तो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें जो आपको बायोमेट्रिक डेटा आपको लिया जाएगा यानी वेरिफिकेशन होगा, कब होगा ये, जब आप ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे, यानी प्राइमरी एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा, आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तब आपको बायोमेट्रिक डेटा यहाँ पे लिया जाएगा, आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन देना होगा। तो बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना बेहद ही आसान है, 6/11, 26/11 के बीच में आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। और इसे अप्लाई करने के पहले आपके पास फ़ोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब तैयार होना चाहिए ताकि आप इसे आसानी से उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ मांगे जा रहे हैं SC ST और PWD कैंडिडेट से, और बाकी के लिए 600 रुपीज़ है, यानी जनरल OBC के लिए 600 रुपीज़ रखी गई है। सब पेमेंट मोड की बात करें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब यहाँ देख लेते हैं प्रोसीजर अप्लाई ऑनलाइन की। सबसे पहले आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, उसके बाद होम पेज पर क्लिक करना है, उसके बाद CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करना है आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद आपको पेज खुल जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे करके और अपना ईमेल आईडी तैयार रखें, आप इसके बाद आपको कोड भेजा जाएगा और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।